हाय, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पर नए हैं एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, मैं हूँ कोच हरनीत एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगले 15 दिन का डाइट प्लान जो कि आपको हेल्प करेगा लूज करने में अप टू 5 kgs। एंड इसमें हमें पूरा दिन, सो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए भूखा रहना है। इस प्लान का, इस डाइट का पर्पस ही ये है कि हमारी जो बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो जानी चाहिए एंड इसके साथ साथ आपको किसी भी टाइम भूखा ना रहना पड़े। सो हम पूरा दिन खाना खाएंगे, एक रेगुलर इंटरवल पे खाना खाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर हमारा ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे हो रहा है या 8 बजे हो रहा है तो हमारी जो लास्ट मील है डे की वो अराउंड 7 PM मैक्सिमम 8 PM तक वो पूरी हो जाए। हम लोग वेट लॉस को टारगेट करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका आइडल वेट कितना है। मैं आइडल वेट से नीचे जाना रेकमेंड नहीं करूंगी, उसी तरीके से आइडल वेट से ऊपर रहना भी रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि फैट का आपकी बॉडी में प्रेजेंट होने का कोई फायदा नहीं है, केवल एक इनविटेशन है आपको मेडिकल कंडीशंस के लिए। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहता सुना है, जब मेरी बात होती है बहुत सारे लोगों को जिनको वेट लॉस का कंसर्न होता है, आइडली लेट्स से अगर उनका आइडल वेट है 55 kgs, तो वो यूजली बोलेंगे नहीं, आई फील कम्फर्टेबल 65 के अराउंड या आई फील कम्फर्टेबल अराउंड 62। सी, आपको वो कम्फर्टेबल इसमें लगने लग जाता है क्योंकि कई सालों से में भी आप उस वेट से बहुत ऊपर रहे हैं या लीस्ट आप गए तो उतने वेट तक गए। पर आपको समझना ये जरूरी है कि एक स्टैंडर्ड BMI की कैलकुलेशन इसीलिए रेकमेंड की जाती है सो दैट कि आप अपने आइडल वेट के आसपास रहें, क्योंकि उससे ऊपर होने का मतलब है, दो कारण हो सकते हैं, एक आपकी बोन डेंसिटी हैवी है। सो बोन डेंसिटी भी हैवी है तो हर BMI के हिसाब से एक आपका लीस्ट वेट और एक आपका हाईएस्ट वेट होता है। अगर आप हाईएस्ट वेट से ऊपर रह रहे हैं तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी फैट होल्ड कर रही है। इस फैट की प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कंडीशंस को इनवाइट करती है, जिसके कारण अगर विस्ट्रल फैट है तो आपको हार्ट रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, और अगर आपका सबकुटेनियस फैट यानी बेली फैट है, आसपास बेली के बहुत फैट है, इसके कारण आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, समथिंग लाइक डायबिटीज, आपको PCOS, PCOD, थायराइड जैसी बहुत कंडीशंस हो सकती है। तो इसका ध्यान रखना है। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा आइडल BMI कितना है, मेरा वेट कितना होना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे साइड पे आपको, आप देखेंगे कि मैंने आपको पूरा चार्ट दिया है। एंड BMI कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका भी एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप गूगल पे जाएंगे, BMI कैलकुलेटर टाइप करेंगे, आपको सबसे ऊपर में BMI कैलकुलेटर नजर आ रहा है। यहाँ पे आप एंटर करेंगे अपनी एज, अपनी हाइट, अपना जेंडर, और नीचे में आ जाएगा आपका BMI। अगर आपका BMI ग्रीन है तो इसका मतलब कि आप एक आइडल रेंज में है, येलो आ रहा है, रेड आ रहा है तो इसका मतलब इंडिकेट करता है कि आप ओवरवेट है, और नेक्स्ट स्टेज ओवरवेट से हो जाती है ओबीज, स्टेज 2 ओबेसिटी अगर है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये डाइट प्लान से आपके 5 kgs वेट लॉस हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कितना लेवल ऑफ वेट लॉस करना है। अब लेट अस से किसी का वेट है 52 kgs और उसको 50 kgs तक करना है, तो ऑब्वियसली इस इंसान को ये 2 kg रिड्यूस करने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना कि हो सकता है एक 70 kg को 65 kg पे आने में लगे, क्योंकि आपकी बॉडी की क्षमता और या फिर उसमें कहीं एक्स्ट्रा फैट ही उतने लेवल का है। ठीक है, सो आपने देखा कि मैंने पिछली एक वीडियो में बात करी थी अपनी वेट लॉस जर्नी की, जहां पर मैं कहीं पे भी ये रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आप अपने आप को भूखा रखें, अपने आप को परेशान करें, बहुत बहुत घंटों तक खाना ना खाएं। तो उसी तरीके से वही रूल हम लोग इस वीडियो में फॉलो करने वाले हैं कि हम लोग रेगुलरली ईटिंग पैटर्न रखेंगे। सबसे पहले जब आप सुबह में उठ जाते हैं खाली पेट, यानी बिना ब्रश करे हुए, बिना कुछ भी और खाए पिए, आप सबसे पहले लेंगे ल्यूक वार्म वाटर थोड़े से लेमन के साथ। अगर आपको खाली लेमन के साथ वाटर लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी कई लोगों का गला खराब हो जाता है या कई लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं वो खट्टापन, तो आप इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स डालेंगे हनी। जी हाँ, अगले 15 दिन तक आपने ये फॉलो करना है। कोशिश करेंगे कि सुबह खाली पेट कम से कम 2 ग्लास पानी आप जरूर पिए, 1 ग्लास इसमें से आपका लेमन वाटर होना जरूरी है। अगर आप 2 ग्लास पी सके बहुत अच्छा है, नहीं तो 2nd ग्लास आप सादा लेकिन गर्म ल्यूक वार्म वाटर ही पिएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपको मैं देने वाली हूँ लगभग अराउंड 3 ऑप्शन। सबसे पहला है आपका बेसन चीला, जी हाँ, सो आप अप टू 2 बेसन चीला खा सकते हैं, साथ में हरी चटनी, मिंट चटनी ले सकते हैं, इसको घर पर ही बनाना है।
आप धनिए की चटनी बना सकते हैं, आप सब आजकल मिंट चटनी सब जने घर पे बड़ी आराम से कंफर्टेबली बना लेते हैं। इसके साथ आप दूसरा जो ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप एग खाते हैं तो आप वेजिटेबल ऑमलेट लेंगे, बहुत सारी इसमें वेजीज होनी चाहिए और इसमें एक एग लेंगे, आप कंप्लीट एग ले सकते हैं, आपको कुछ येलो निकालने की उसमें जरूरत नहीं है। अगर आप टू एग्स का ऑमलेट लेने वाले हैं तो एक का येलो आप कंसिडर रखेंगे और एक का निकाल लेंगे। इसके साथ में वन ब्राउन ब्रेड, ओनली वन ब्रेड, ओके, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तीसरा ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हो वो है वो पनीर स्टफ्ड रोटी। रोटी जो हम लेंगे अपने प्लान पे कहीं पर भी, वो एक मल्टीग्रेन आटे की होगी, सादा आटा नहीं लेंगे, मल्टीग्रेन आटा लेंगे, स्टफ्ड पनीर की रोटी लेंगे और एक कप आप वन कटोरी आप कर्ड ले सकते हैं। इन तीनों में कितनी कैलोरीज है, आपको कितना कैलोरी इंटेक आप कर रहे हो, ये सब मैं आपको यहाँ पे साइड में मेंशन कर दूंगी। अब इसके बाद आप जो है अपना वर्कआउट करेंगे, कम से कम एक घंटे का गैप रख करके आप अपना वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट आपको कौन सा करना है वो मैं बिलो नीचे लिंक में डाल दे रही हूँ। 14 डेज का एक एक्सरसाइज चैलेंज मैंने चलाया था जो स्पेसिफिकली बेली फैट लॉस के लिए था, ये मेरी वीडियो है जो ये 14 डेज बेली फैट लॉस चैलेंज की थी। इसमें 15 से 18 मिनट की एक्सरसाइजेस हैं, हर दिन आप एक न्यू एक्सरसाइज करेंगे, बीच में आप एक दिन का रेस्ट ले सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं कि 7 डेज एट अ स्ट्रेच वर्कआउट करेंगे, एक दिन का गैप लेंगे, फिर 7 डेज एट अ स्ट्रेच आप वर्कआउट करेंगे। जी हाँ, डेली वर्कआउट करना जरूरी है, 15 से 18 मिनट का आप वर्कआउट करेंगे। इसमें कोई इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत नहीं है, आप घर पर कर सकती हैं। ये डाइट प्लान जो मैंने कस्टमाइज करा है स्पेशली इस चीज को ध्यान में रखते हुए करा है, जैसे आप एक न्यू मदर हैं या फॉर दैट सेक अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं या आप एक बिजी लेडी हैं जिसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है एंड जिसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो बहुत ज्यादा फैंसी फूड्स खा सके, फैंसी फूड्स की जरूरत नहीं है। जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं ये आमतौर पर हर घर पे अवेलेबल रहते हैं। अब आ जाते हैं आपके मिड मॉर्निंग स्नैक में। मिड मॉर्निंग स्नैक में लेंगे आप एक कप कॉफी। ये कॉफी कैसे बनाएंगे आप, ब्लैक कॉफी रहेगी। आप एक कप बॉइल्ड वाटर लेंगे, इसमें आप अबाउट 1 टीस्पून या लेस देन अ टीस्पून आप कॉफी डालेंगे, इसको मिक्स करके आप कंज्यूम करेंगे। अगर आप यूजली ब्लैक कॉफी नहीं पीते तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। प्लस कई बार क्या होता है ना, हम लोगों ने खाना खाया है, हमें रियलिटी में भूख नहीं लगी होती है, सिर्फ हम लोगों को ऐसा लग रहा होता है, हम ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि अब हमें आदत हो चुकी होती है कि टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खाते रहे, तो हम लोगों को सिर्फ मेंटली फील होता है हमें भूख लग रही, पर रियलिटी में भूख नहीं लगी होती है। तो ये कॉफी पीने से ऑफकोर्स आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, प्लस आपको अगर कोई फालतू की भूख लग रही है उसको आपको महसूस होनी बंद हो जाएगी। अगर ब्लैक कॉफी नहीं चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की आप ग्रीन टी पी सकते हैं। शुगर का इंटेक हमें नेक्स्ट 14-15 डेज बंद रखना है। जी हाँ, व्हाइट शुगर की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। आपके पास में जो भी शुगर इंटेक होगा वो ओनली एंड ओनली वाया फ्रूट्स होगा, राइट। अब आ जाते हैं और इसके साथ आप जो है एक छोटी कटोरी या फिर आप बोले हैंडफुल ऑफ मखानास ले सकते हैं, राइट। नहीं तो आप अराउंड अप टू 30 ग्राम्स ऑफ ब्लैक चना ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। 30 ग्राम्स आपने ब्लैक चना ले लिया या हैंडफुल ऑफ आपने मखाना ले लिया। अब आ जाते हैं कि अब हम लंच की तरफ। लंच करने से लगभग 15-20 मिनट पहले या आधे घंटे का भी आप गैप रख सकते हैं, आप लेंगे इसबगोल वाटर। सो आप पानी लेंगे लगभग हाफ अ ग्लास वाटर और इसमें अबाउट 1/2 to 1 teaspoon आप इसबगोल डालेंगे और इसको पी लेंगे। अब 15-20 मिनट या 30 मिनट्स के गैप के बाद आपको जो लंच अपना लेना है वो आप लेंगे या तो चिक पी सैलेड, या आप ले सकते हैं राजमा सैलेड, या आप ले सकते हैं स्प्राउट सैलेड। सो ये आप कंज्यूम करेंगे, वन बोल ईच आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन कंसिडर करो, वन बोल लोगे, इसकी क्या कैलोरीज है आपको सब नजर आ जाएंगी। अब इसको लेने के बाद जो आपका लंच के कुछ टाइम के बाद लगभग 2-2.5 घंटे के बाद आपको मैं रेकमेंड करूंगी कि एक फ्रूट लेंगे आप कोई भी, मतलब लेकिन वन फ्रूट। हमें यहाँ पे फ्रूट का चार्ट नहीं बनाना है, आई डोंट वांट कि आप काफी सारे फ्रूट्स को मिक्स करें क्योंकि उनकी डाइजेशन की टाइमिंग अलग अलग होती है जो कि आपके डाइजेशन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। सो किसी भी एक तरीके का फ्रूट लेंगे, आप ले रहे हैं एप्पल ले रहे हैं तो आप एक एप्पल ले लीजिए, ऑरेंज ले रहे हैं तो ऑरेंज ले लीजिए,
पपाया ले रहे हैं तो आप पपाया ले लीजिए, लेकिन जो भी ले रहे हैं आप एक किस्म का फ्रूट खाएंगे, अबाउट वन बोल ऑफ ये फ्रूट आप खा सकते हैं, राइट। आपको लगता है कुछ टाइम के बाद आपको, जैसे कई लोगों को चाय पीने की बहुत ज्यादा आदत है, ध्यान हमें ये रखना है कि हम लोग अभी क्या अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है आपका वाइट शुगर टोटली अवॉइड कर रहे हैं एंड डेयरी का इनटेक स्लाइटली रिड्यूस्ड रख रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जो नॉर्मल दूध वाली चाय होती है वो ना पिएं, लेकिन अगर आप कोई एक ऐसे इंसान हैं जिसको दिन में तीन तीन चार चार नॉर्मल कप ऑफ चाय पीने की आदत है तो आप दूध वाली चाय लें जिसमें दूध का इंटेक आपने लिमिटेड रखना है, इसमें आप चीनी नहीं लेंगे, बिना चीनी के आप चाय लेंगे, और नहीं तो आप जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था आप एक ब्लैक कॉफी ले सकते हैं या फिर एक कप ऑफ ग्रीन टी ले सकते हैं। देखिए अगर हमें वेट लॉस करना है, अगर हम डेडिकेटेडली सिर्फ 15 दिन में 5 किलो वेट लॉस करना कोई इजी टास्क नहीं है एंड तरीके बहुत होते हैं। कई लोग बिल्कुल अपने आप को भूखा रखना शुरू कर देते हैं, टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, घंटों घंटों वर्कआउट शुरू कर देते हैं, मील्स को स्किप करने शुरू कर देते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हम लोग घंटों घंटों की फास्टिंग कर लें। इस पूरे डाइट प्लान में आप देखेंगे आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो लेकिन अगर हम लोग 5 किलो का वेट लॉस चाह रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी, जिनमें से आपकी आ जाती है एक शुगर एंड रिड्यूस डेयरी आ जाती है। अब इवनिंग के टाइम पे आपको कोशिश करनी है कि आप 30 मिनट्स की वॉकिंग जरूर करें। सो या तो आप अगर सुबह वर्कआउट आपका मिस हुआ है, आप सुबह आप वॉकिंग कर आपने किया है तो आप शाम को वो वाला वर्कआउट कर लीजिए जो नीचे मैंने लिंक पे दिया है, और अगर आप सुबह वो वर्कआउट कर चुके हो तो शाम के टाइम पे आप 30 मिनट्स की वॉकिंग करेंगे। जी हाँ, वॉकिंग कोशिश करनी है डेली अपनी, दिन भर की जो हम लोग दिन भर घर में चलते फिरते हैं या बाहर जाते हैं, आपने कोशिश करना है, मान लीजिए अगर आप मॉल गए हैं तो वहां पे अगर आपके पास एक्सेलरेटर है, आपके पास लिफ्ट है, तो आप कोशिश करें कि आप वो जगह डिस्टेंस को चल के कवर करें। घर के अंदर में हम एक ही जगह बैठ करके सिर्फ टीवी के आगे रिमोट पकड़ के बैठ के ऑर्डर ना दें अपने नौकर को कि ये ला दीजिए वो ला दीजिए या ये करो, जितना ज्यादा आप वॉक कर सकते हो। अगर मैं तो ये भी कोशिश करती हूँ कि कई कई बार अगर मुझे एक रूम से दूसरे रूम में कपड़े भी रखने हैं तो मैं थोड़े थोड़े कपड़े करके रखती हूँ सो दैट राउंड ज्यादा लग जाए। घर में छोटा बच्चा है, जैसे मेरा छोटा बेबी है, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ खेलने की कोशिश करें, मतलब मूवमेंट एक्टिव रहना जरूरी है, इनएक्टिव होके आप नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में मान लीजिए अगर आप अभी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, आज आपका पहला दिन था, आपने बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं किया था, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मसल सोरनेस फील होगी, मसल पुल फील हो सकता है, क्योंकि जब हमारी रिड्यूस्ड एक्टिविटी रहती है, हम बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रखते हैं, तो हमारा मसल पुल होना बहुत नॉर्मल है। प्लस अगर आपके क्रैम्पिंग हो रही है, दैट मीन्स आपने पानी दिन भर में कम पिया है, तो पानी का इंटेक रेगुलर रखना है। अब आ जाते हैं हमारे डिनर पर, तो हम लोग डिनर में क्या खा सकते हैं। आप डिनर में एक रोटी जो कि नॉर्मल आटे की नहीं होगी, मल्टीग्रेन रोटी होगी, कई लोग कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट आटा होता है उसको मिक्स करके लेते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। एक रोटी हमें खानी है, हमें दाल लेनी है। दाल आप कौन सी लेंगे इस पूरे डाइट प्लान में, या तो आप लेंगे येलो मूंग दाल, राइट, और या आप लेंगे अरहर दाल, यही दो दालें आप लेंगे, आप दूसरी कोई दाल नहीं इंक्लूड करेंगे। एंड आप साथ में लेंगे एक बड़ा बोल, अच्छा खासा बोल आपके सैलेड्स का। ये सैलेड्स में आप ज़्यादातर क्या ले सकते हैं, आप कुकुम्बर ले सकते हैं, जैसे खीरा हो गया आपका, गाजर हो गई आपकी, आपका पत्ता गोभी होता है उसका सैलेड बहुत अच्छा बनता है, तो आप ये सैलेड्स ले सकते हैं। कई कई लोगों को पत्ता गोभी से गैस का इशू आता है तो वो अवॉइड कर दें, इसको रात टाइम में सैलेड में ना लें। सैलेड में आपको जो भी पसंद है, एक अच्छा बोल भर के आपने सैलेड लेना है। आप पूरे डाइट प्लान में आलू भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ना मॉर्निंग में, ना लंच में, ना डिनर में, आलू हमें नहीं अवॉइड करना है। शुगर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एंड रिड्यूस डेयरी रखेंगे। अभी मैं आपको इसमें आप एक वेट लॉस ड्रिंक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको एक बिफोर बेड एक वेट लॉस ड्रिंक भी रेकमेंड करी थी, तो रात को सोने से पहले आप इस वेट लॉस ड्रिंक को ले सकते हैं। मैं रेसिपी एक उसका पूरा प्रोसेस मैं दोबारा से डाल दूंगी आपको। इसमें हमने क्या लिया था, एक सिनेमन स्टिक लेंगे, थोड़ी सी अदरक लेंगे, पानी को उबाल देंगे हम अच्छे से, पहले पानी को करने देंगे और इसमें हम लोग सिनेमन और अदरक को करने देंगे। इसको आप अच्छे से उबाला देकर के, जब ये अच्छे से उबल जाएगा इसका सारा रस इसमें आ जाएगा, इसके बाद आप इसे छान लेंगे, इसमें नींबू निचोड़ेंगे एंड आप पी सकते हैं। ये आपकी बिफोर बेड की वेट लॉस ड्रिंक है। आपने ये कितनी अच्छे से फॉलो करा, आपके क्या रिजल्ट्स आए,
और आपको कैसा महसूस हो रहा है। जब मैं महसूस होने की बात करती हूँ तो इससे मेरा मतलब है कि आपके एनर्जी लेवल्स कैसे रहे। ये जो आपका डाइट प्लान है इसमें आपके न्यूट्रिशनल इनटेक का यानी आपके सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अच्छा ध्यान दिया गया है, तो आपको इसके करके कोई वीकनेस नहीं हो सकती है। और जब डाइट अच्छी रहती है, एक्सरसाइज अच्छा रहता है, तो आपकी स्किन क्वालिटी, आपकी हेयर क्वालिटी, आपके एनर्जी लेवल्स, ये सब भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आप ये डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग वेट कितना है और आप कितना टारगेट कर रहे हैं आपके क्या, तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें लिखते हुए कि चैलेंज एक्सेप्टेड, स्टार्टिंग वेट सो एंड सो, टारगेट वेट सो एंड सो। उसके बाद 15 दिन के बाद हम वही यहाँ पर ही इसी वीडियो पे वापस आएंगे एंड मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आप मुझे कमेंट में नीचे अपने रिजल्ट्स के बारे में बताएं। मैं रेगुलरली एक्सरसाइज रूटीन्स पोस्ट करती हूँ और मैं हर एक चीज़ को बहुत ही नेचुरल, इक्विपमेंट फ्री, यानी कि आपको ऐसे बंदिश नहीं है कि आप जिम में जाके ही कर सकते हैं या जब तक आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है आप उन्हें नहीं कर पाएंगे। मेरी अगर आप जितनी भी वीडियोस चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं एक्सरसाइज रूटीन बहुत डूएबल बताती हूँ। एंड अब से हर महीने मैं आपका मंथली चैलेंज जो डाइट को लेके होता है वो भी जरूर आपको दिया करूँगी। आपसे बस एक गुजारिश है कि जितनी भी मैं एक्सरसाइज रूटीन वीडियोस पोस्ट करती हूँ या आपकी डाइट वीडियो पोस्ट करती हूँ ये सब फ्री है। सिर्फ मेरी मोटिवेशन के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप नीचे कमेंट ज़रूर लिखें कैसा लगती है, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें सो दैट फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ वो आप मिस ना करें। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलेगी, आप टाइमली मेरी वीडियोस देख पाएंगे। एंड यही एक सपोर्ट है जो अगर आप मुझे प्रोवाइड करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होगा कोई भी एक्सरसाइज रूटीन या कोई भी वीडियो बनाने में। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है, तो उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।